हे गाइस, मैं उदय हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओर्गर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ये क्या होती है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से लिखना है। देखो, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो ये केवल 5 नंबर या 7 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। ये भी किसी का पार्ट होता है जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही ये एक पार्ट होता है। जैसे यूवी रेडिएशंस होती हैं, जैसे एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी रे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वैसे ही ओर्गर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही एक पार्ट है, जिसको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। ठीक है, तो ये किस तरीके से लिखना है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले इसके बेसिक प्रिंसिपल को जान लेते हैं। तो देखो, बेसिक प्रिंसिपल की अगर बात करें ना, तो सबसे पहले क्या होगा कि किसी भी एटम या फिर मॉलिक्यूल को एक्सरे रेडिएशन से ट्रीट कराएंगे, यानी कि उस एटम या फिर मॉलिक्यूल पर एक्सरे रेडिएशन डालेंगे। अब हमें पता है एक्सरे रेडिएशंस काफी पावरफुल होती हैं, काफी हाई एनर्जी की होती हैं, जिससे वो जो एक्सरे रेडिएशंस होती हैं वो एटम, किसी भी एटम या फिर मॉलिक्यूल में जो इनर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर निकाल देती है। इतनी पावरफुल होती हैं कि इनर इलेक्ट्रॉनों को भी, इनर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको भी बाहर निकाल देती हैं। इसे हम इस डायग्राम से समझते हैं। जब क्या होता है, तो देखो क्या होता है जब हम रेडिएशन डालते हैं किसी भी एटम पर। तो देखो, जब हम एक्सरे रेडिएशन डालते हैं, ये एक्सरे रेडिएशन है, एक्सरे रेडिएशन किसी भी एटम पर डालते हैं तो उस एटम के जो इनर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाता है, जिससे यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। अब वैकेंसी क्रिएट होने के बाद जो आउटर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल में आएगा, जिससे क्या होगा, ये वैकेंसी तो फिल हो जाएगी। लेकिन हमें पता है कि जब भी हायर एनर्जी स्टेट से कोई भी इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट में आता है तो वह एनर्जी एमिट करता है। तो जब वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल से, हायर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है, ये ऑर्बिटल, इस हायर एनर्जी ऑर्बिटल से जब ये लो एनर्जी ऑर्बिटल में आएगा, लो एनर्जी ऑर्बिटल में आएगा तो वो एनर्जी को एमिट करेगा और वो एनर्जी सफिशिएंट होगी, काफी होगी इस आउटर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और इस आउटर ऑर्बिटल से जब ये इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस इलेक्ट्रॉन को हम ओर्गर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो देखो पूरी प्रोसेस क्या है, पूरी प्रोसेस ये है कि किसी भी एटम में जब एक्सरे डालते हैं, एक्सरे से ट्रीट कराते हैं तो इसके इनर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इनर ऑर्बिटल मान लो हम 1s ले लेते हैं, ये 1s है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है जब भी रेडिएशन डालते हैं एक्सरे रीजन की। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब इस वैकेंसी यानी कि खाली जगह को भरने के लिए 2s का 2s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आएगा 1s ऑर्बिटल में, 1s सबसेल में आएगा। ठीक है, 1s सबसेल में आएगा तो हमें पता है 2s जो ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी यहां पर है, तो 1s की यहां पर है और यहां पर हमारा न्यूक्लियस है, तो यहां पर 2s की है, यहां पर 1s है। तो 2s से ये हायर एनर्जी पर है और ये लो एनर्जी पर है 1s, तो 2s से जब 1s में जब इलेक्ट्रॉन आएगा, हायर एनर्जी से लो एनर्जी पर जब वो इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा, बाहर निकालेगा, और उस एनर्जी को जो 2p का इलेक्ट्रॉन है वो ऑब्जर्व कर लेगा और क्या करेगा, इससे अट्रैक्शन से, इस इलेक्ट्रॉन का जो ये इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन है, इसे तोड़ करके बाहर निकल जाएगा। और इस 2p का जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है ना, इसी को हम बोलते हैं ई ओर्गर या फिर ओर्गर इलेक्ट्रॉन। देखो इसको ना हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस डायग्राम से, तो इस डायग्राम से पहले समझ लेते हैं, बाद में हम क्या लिखना है वो देख लेंगे। तो देखो, ये कोई भी एक एटम की ग्राउंड स्टेट है जिसमें ये 1s पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ये 2s में है, ये 2p में है। ठीक है, 2p में हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन मैंने केवल आपको समझाने के लिए फिल कर रखे हैं। ठीक है, ये 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी रेडिएशन मैं डालूंगा एक्सरे रेडिएशन डालूंगा तो इनर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो 1s ऑर्बिटल से बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो हमें इनिशियल एक्साइटेड स्टेट देखने को मिलेगी जहां पर 1s जो ऑर्बिटल है वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन ही बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें आगे ओर्गर प्रोसेस देखने को मिलेगी, जिसमें क्या होगा, यहां पर जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उस वैकेंसी को फिल करने के लिए 2s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है
वो 1s ऑर्बिटल में आएगा, और हमें पता है 2s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर ये एनर्जी है, यहाँ पर ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो 2s की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 1s, काफ़ी ज़्यादा है, 1s की तो काफ़ी कम है। तो जब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, हायर एनर्जी से लो एनर्जी पर आएगा, तो एनर्जी को एमिट करेगा, उस एनर्जी को ये जो, और ये जो बाहर की तरफ है इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को उपजव कर लेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन को, अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, ये इलेक्ट्रॉन, इसे इतनी एनर्जी तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ये आयनाइजेशन लिमिट है ना, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हाईएस्ट अट्रैक्शन है, यानी कि ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये यहाँ तक ही अट्रैक्शन लगा सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पर। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उस पर अट्रैक्शन नहीं लगेगा इस न्यूक्लियस का। तो ये हाईएस्ट अट्रैक्शन लिमिट है इस न्यूक्लियस के किसी भी इलेक्ट्रॉन पर। तो देखो यहाँ पर ये अट्रैक्शन बहुत कम लगा रहा है एज कम्पेयर टू इसके या फिर इसके, तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन लगा रहा है इन दो इलेक्ट्रॉनों पर ये न्यूक्लियस, इस पर थोड़ा कम लगा रहा है, इस पर बहुत कम लगा रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो हमें बहुत कम एनर्जी चाहिए। तो देखो यहाँ से मान लो यहाँ का जो एनर्जी गैप है वो 10 जूल है, ठीक है, मान लो ये 10 जूल एनर्जी गैप है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आएगा तो 10 जूल एमिट करेगा, और 10 जूल एमिट करेगा तो यहाँ का जो एनर्जी गैप है ये मान लो 2 जूल है, तो 2 जूल तो काम आ गई इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, न्यूक्लियस केवल यहाँ तक ही अट्रैक्शन लगा सकता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए केवल 2 जूल एनर्जी चाहिए। अट्रैक्शन मतलब बाइंडिंग एनर्जी, इस बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो अट्रैक्शन है, इसे तोड़ने के लिए केवल 2 जूल ही चाहिए। अब 2 जूल यहाँ से 10 जूल इसने ऑब्जर्व किया है, यहाँ से जो 10 जूल निकलेगा जब ये नीचे आएगा तो 10 जूल निकलेगा, 10 जूल में 2 जूल तो काम आ गई अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, और जो निकलेगा इलेक्ट्रॉन इसके पास 8 जूल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन देखो हमेशा ना क्वांटम वर्ल्ड में हर एक चीज़ फिक्स होती है, हर एक चीज़, यहाँ पर अगर इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है तो 10 जूल की एनर्जी चाहिए, अगर नीचे आना है तो 10 जूल की एनर्जी चाहिए, 9.99 जूल की एनर्जी नहीं चाहिए, 10 जूल मतलब 10 जूल की ही एनर्जी चाहिए। और जूल टर्म आपको केवल मैं समझाने के लिए ही यूज कर रहा हूँ, जूल का यहाँ पर कोई यूज नहीं करते हैं, जूल तो यहाँ पर यूज बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर हम एनर्जी को सेंटीमीटर इन्वर्स के टर्म्स में यूज करते हैं, रेडिएशंस को सेंटीमीटर इन्वर्स के टर्म्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो केवल मैं आपको समझाने के लिए 10 जूल जूल का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो और देखो मान लो अगर ये 50 जूल है, ठीक है, 50 जूल, तो इस इलेक्ट्रॉन को 50 जूल एनर्जी चाहिए इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, तो जो हम रेडिएशन डालेंगे एक्सरे रीजन की, उसके पास 50 जूल तो होनी ही चाहिए, अगर 50 जूल नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा इस अट्रैक्शन से, कभी नहीं निकलेगा, ठीक है, ये निकल जाएंगे लेकिन ये कभी भी नहीं निकलेगा। तो और एक्सरे रीजन की जो रेडिएशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, वो इस इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाल देती हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। अब ये फाइन स्टेट आती है, और अगर प्रोसेस होने के बाद फाइन स्टेट आती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी उसे फिल करने के लिए यहाँ पर आ गया, और इससे जो एनर्जी एमिट हुई उस इलेक्ट्रॉन ने, इस 2p के इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जर्व किया और ये बाहर निकल चुका है, ठीक है, विद काइनेटिक एनर्जी। और जो ये बाहर निकला है, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है 2p से, इसको बोलते हैं ऑर्गर इलेक्ट्रॉन, और इस ऑर्गर इलेक्ट्रॉन की ही हम काइनेटिक एनर्जी को मेजर करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, यही है हमारी ऑर्गर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी है, वो सारी चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ऑर्गर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्टली डिस्कवर बाय लाइज हेमेटनर एंड लेटर इट इज इंडिपेंडेंटली डिस्कवर वंस अगेन इन 1925 बाई पायरे ओरगर, यानी कि सबसे पहले तो लाइस मेटनर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया, इसने समझाया कि ये चीज़ होती क्या है, लेकिन वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद आते हैं पायरे ओरगर नाम का साइंटिस्ट
1925 में इंडिपेंडेंटली इस चीज़ को समझा है कि ऑर्गन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, किस किस चीज़ में यूज आ सकती है, इसने अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन किया। इसीलिए इस टेक्निक को हम बोलते हैं ऑर्गन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है? इट इज़ ए टेक्निक विच इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट द कंपोजिशन ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड, यानी कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा किसी भी सॉलिड की जो सरफेस है उसके कंपोजिशन का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उसके कंपोजिशन के बारे में पता लगाया जाता है कि क्या केमिकल कंपोजिशन है उस सॉलिड सरफेस का। इसके बेसिक प्रिंसिपल, इसके प्रिंसिपल की बात करें तो व्हेन हाई रेडिएशन, हाई एनर्जी रेडिएशन एक्सरे रीजन की इज बम्बार्डेड ऑन एटम देन इजेक्शन ऑफ इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, यानी कि किसी भी एटम या फिर मॉलिक्यूल को हम एक्सरे रेडिएशन से ट्रीट कराते हैं तो उसके जो इनर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाते हैं। हमने इस चीज को एक्सरे रेडिएशन एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी देखा था। ठीक है, अगली चीज क्या है? एंड ड्यू टू दिस इन द इनर ऑर्बिटल वैकेंसी आर क्रिएटेड, इससे क्या होगा, इनर ऑर्बिटल में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, एक खाली जगह क्रिएट हो जाएगी। अगली चीज क्या है? फॉर फिल दिस वैकेंसी फर्स्ट आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंटर इन द वैकेंसी, इससे क्या होगा, इससे फर्स्ट ऑर्बिटल जो है, फर्स्ट आउटर ऑर्बिटल, ये हमारा फर्स्ट आउटर ऑर्बिटल है, इससे इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आएगा, इसके अंदर आएगा। ठीक है, यानी कि इनर ऑर्बिटल में आउटर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल में आएगा इस वैकेंसी को भरने के लिए, फिल करने के लिए। एंड व्हेन द हायर एनर्जी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंटर इन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल देन इट रिलीज द एनर्जी, दिस एनर्जी इज सफिशियंट फॉर इजेक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, सेकेंड आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्गन इलेक्ट्रॉन। यानी कि क्या, और क्या कह रहा है ये, जब भी हमें पता है जब भी आउटर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल में आएगा, यानी कि हायर एनर्जी ऑर्बिटल से लो एनर्जी ऑर्बिटल में जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो एनर्जी को एमिट करेगा। ठीक है, अब उस एनर्जी को एमिट करेगा तो वो एनर्जी सफिशियंट होती है इस आउटर सेकेंड आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी कि सेकेंड आउटर ऑर्बिटल से ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके निकल जाएगा विद सम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी तो जरूर रहेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर एनर्जी गैप काफ़ी है तो ये जब यहाँ पर आएगा तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को एमिट करेगा, तो यहाँ से निकलने के लिए तो इसे बहुत कम एनर्जी चाहिए, तो ये बहुत कम एनर्जी का यूज तो कर लेगा इसे निकालने के लिए, इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, और बाकी की एनर्जी को ये अपनी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सेव कर लेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इसी वो बोलते हैं ऑर्गन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये ऑर्गन इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखने के बाद आपको ये दो डायग्राम बनाने हैं। अब इन डायग्राम के बाद में आपको ये लिखना है, द ऑर्गन प्रोसेस रिक्वायर थ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि तीन इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए किसी भी सिस्टम में, किसी भी एलिमेंट में तीन इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए, ठीक है, जिससे हम इसको परफॉर्म कर सकें, इस ऑर्गन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम परफॉर्म कर सकें, इसके लिए तीन इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन कौन सा, जो कि रेडिएशन डालने पर बाहर निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन उसे फिल करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो ऑर्गन इलेक्ट्रॉन होगा जो बाहर निकलेगा। ठीक है, अगली चीज, द ऑर्गन इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर थ्री इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन डिटेक्ट ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन तो हमें कम से कम चाहिए ही चाहिए किसी भी एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आपको ना ये डायग्राम बनाना है जो कि अच्छे से एक्सप्लेन करता है आयनाइजेशन लिमिट क्या होती है, वो हाईएस्ट लिमिट जहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन लगता है न्यूक्लियस के साथ, यानी कि न्यूक्लियस जो है यहां तक ही अट्रैक्शन लगा पाता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, इसे अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि क्या और चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि और इसमें क्या लिखना है हमें
ऑर्गर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। देखो इसके बाद इस डायग्राम को बनाने के बाद हमें लिखना है एन एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल हैव ए काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हमारे पास जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो होगी ई ऑर्गर प्लस ई जेड बराबर ई एक्स माइनस ई वाई, यानी कि जो ई ऑर्गर है इस ई इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन निकला है जिसे हम ऑर्गर इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसके पास E ऑर्गर यानी कि इसके पास जितनी एनर्जी है, मान लो इसके पास 8 जूल एनर्जी है, ठीक है, ये प्लस यहां का जो एनर्जी गैप है प्लस 2 जूल, ये बराबर होगी यहां का जो एनर्जी गैप है यानी कि EX माइनस EY, इसके बराबर होगी, यानी कि ये जो एनर्जी है E ऑर्गर, इसे बोल रहे हैं हम ई ऑर्गर प्लस यहाँ की जो एनर्जी है वो ई जेड, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया ना मैंने ई जेड, बराबर होगी यहाँ पर अपर माइनस लोअर एनर्जी स्टेट की जो एनर्जी गैप है उसके बराबर होगी, ठीक है, इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब बात करते हैं ऑर्गर प्रोसेस आर मोस्ट लाइकली इन, ऑर्गर प्रोसेस आर मोस्टली लाइकली इन लाइटर एलिमेंट वेयर द कोर इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एनर्जी ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन में हम ऐसे एलिमेंट्स में हम ऑर्गर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करना प्रेफर करते हैं जिनमें जिन इलेक्ट्रॉन जो कोर इलेक्ट्रॉन कोर ऑर्बिटल है और जो आउटर ऑर्बिटल है उनके बीच में एनर्जी गैप कम से कम हो, यानी कि बहुत कम एनर्जी गैप हो, ज़्यादा एनर्जी गैप ना हो, जैसे जो बड़े बड़े एलिमेंट होते हैं, जो हायर एलिमेंट होते हैं, हायर वेट वाले एलिमेंट होते हैं, उनमें जो एनर्जी गैप है कोर इलेक्ट्रॉन कोर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल का जो एनर्जी गैप है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उनमें हम ज़्यादातर परफॉर्म करना प्रेफर नहीं करते हैं, इसमें ज़्यादातर परफॉर्म करना प्रेफर करते हैं लाइटर एलिमेंट्स में, क्योंकि लाइटर एलिमेंट्स में जो एनर्जी गैप है वो कम होता है। अब एनर्जी गैप है तो जो एनर्जी निकलेगी ना वो एनर्जी कम होगी, यानी कि इतनी ज़्यादा नहीं होगी, जब ज़्यादा एनर्जी निकलती है तो वो रेडिएशंस के फॉर्म में निकलती है, तो हम नहीं चाहते कि रेडिएशंस के फॉर्म में एनर्जी वो एमिट करें, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि हायर वेट के होते हैं, लाइटर वेट नहीं होते हैं, उनमें अगर इसे परफॉर्म किया जाए तो वो रेडिएशंस को एमिट करते हैं, ठीक है, तो हम लाइटर वेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें परफॉर्म कराना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसे ऑर्गर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी को। अगर इसके एग्जांपल की बात करें ना तो ऑर्गर स्पेक्ट्रा, ऑर्गर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ सिलिकॉन एलिमेंट, यानी कि सिलिकॉन एलिमेंट के अगर ऑर्गर स्पेक्ट्रा की बात करें, उसका ऑर्गर स्पेक्ट्रा ले तो वो किस तरीके का हमें दिखाई देगा वो देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, इनिशियली द कोर इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम 2s, यानी कि अगर बात करें सिलिकन की तो सिलिकन का हमें पता है ये 14 नंबर पर है, तो 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 2, ठीक है, इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो देखो यहाँ पर दो हमारे पास ऑर्बिटल हैं, इनर ऑर्बिटल हैं, इनमें से हमें पता है इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इनर ऑर्बिटल हमारे पास ये है 2s है, तो जब भी एक्सरे डालेंगे हम सिलिकन एलिमेंट पर, सिलिकन एटम पर, सिलिकन के एटम पर जब भी हम एक्सरे रेडिएशन डालेंगे तो 2s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब 2s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो 3s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए आएगा, जिससे ये जब ये आएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा। अब इस एनर्जी को ये 3p का जो ऑर्बिट 3p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑब्जर्व कर लेगा इस एनर्जी को और ये बाहर निकल जाएगा विद काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको हम डिटेक्ट करने वाले हैं इस स्पेक्ट्रा के अंदर, यानी कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास जितनी एनर्जी के साथ ये निकलेगा उसको हम इस स्पेक्ट्रा के अंदर मेजर कर लेंगे और इसकी जो प्रिंसिपल पीक होती है वो हमें 92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर देखने को मिलती है। यहाँ पर ये जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में यूज़ कर रहे हैं जो की ऑर्गर एनर्जी होती है, ठीक है, और यहां पर इसकी जो प्रिंसिपल पीक है ये हमें 92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर देखने को मिलती है, जो कि इंडिकेट करती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, ये जो ऑर्गर इलेक्ट्रॉन है इसके पास कितनी एनर्जी है, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के एनर्जी लेवल्स को या फिर किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, इससे आसानी से कर सकते हैं। और देखो यहां पर जो एक्सरे हम इस पर डाल रहे हैं इससे हम ये भी पता लगा
लगा सकते हैं कि कितनी एनर्जी की एक्सरे जब हम डाल रहे हैं तो वो एमिट करता है, यानी कि किस फ्रीक्वेंसी पर हमारा सिलिकन एलिमेंट का जो इंटरनल ऑर्बिटल है या फिर इनर ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है कितनी फ्रीक्वेंसी पर ऑब्जर्व कर रहा है उस रेडिएशन को, यानी कि ये जो इनर ऑर्बिटल, जो इनर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है ये फिक्स वेवलेंथ फिक्स फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा और बाहर निकल जाएगा, और वहाँ पर एक हमें इंटेंस पीक देखने को मिलती है कि यहाँ पर इस पीक पर इस फ्रीक्वेंसी पर हमारे इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को ऑब्जर्व किया है, इतनी एनर्जी को ऑब्जर्व किया है और बाहर निकल गया, ठीक है। और हम जो ऑर्गर इलेक्ट्रॉन है उसको हम इस स्पेक्ट्रा से डिटेक्ट कर लेंगे, और यही है हमारी ऑर्गर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो यहाँ पर क्या लिखना है, ये लिखने के बाद कहाँ पर पहुँच गए, कोर इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम 2s, क्रिएटेड ए वैकेंसी फ्रॉम, वो का वो ये सेम टू सेम है, 2s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2s से निकलने के बाद यहाँ पर जो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी को भरने के लिए 3s का जो 3s ऑर्बिटल जो है 3s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो आएगा और यहाँ पर आएगा 2s ऑर्बिटल में, 2s ऑर्बिटल में आएगा, इसकी वैकेंसी को फिल कर देगा, जिससे क्या होगा, जिससे जब 3s का ऑर्बिट 3s ऑर्बिटल का 2s में आएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा, उस एनर्जी को ये 3p का और 3p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑब्जर्व कर लेगा, अब ऑब्जर्व करने के बाद वो बाहर निकल जाएगा। यही का यही पूरी की पूरी चीज़ है जिसका प्रिंसिपल पीक हमें ये 92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर देखने को मिलता है। ये है हमारी ऑर्गर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको इस तरीके से लिखना है। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।